सेंटेंस बनाने के लिए हमको पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है और आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेट आर्टिकल द जहां भी यूज करना होगा, हम लोग देयर दी दास दी देम दी दास दी देम देयर देम देन प्लस एन। तो इंग्लिश में तो केवल द ही था और यहां पे ये सब इतने सारे द, तो इसका क्या फायदा है, ये भी एक ही रख लेते है ना, क्यों परेशान करते हैं हमको। बट इसका जो रीजन है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि इसका मतलब द तो है ही, लेकिन इसमें और भी बातें छुपी हुई है। ये बोलते हैं द होना इनफ नहीं है, आपको ये तो पता चलना चाहिए ना साथ साथ में जिसकी बात करते हो वो मैस्कुलिन है कि पुल्लिंग है कि या फिर न्यूट्रल है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन पुल्लिंग तो एक ही है, या फिर वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये भी पता चलना चाहिए, और वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ये भी पता चलना चाहिए। ये सारा स्टेटमेंट से पता चलता है, मतलब कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, जनरली ये होते हैं। पहले दो से भी काम चल सकता है और इससे ज्यादा भी आ सकता है, बट एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अब ये कह रहे हैं कि मान लो ऐसे लिख द मैन, द मैन लिखा है इंग्लिश में, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है मामला कि द मैन है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। द मैन तो द मैन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, और इसे घपला ये हो जाता है, जैसे मान लो रावण किल्स मर्डर कर देता है एलिफेंट, सपोज ये है कोई सेंटेंस है? या फिर मान लो द लगा दिया, रावण किल्स द एलिफेंट, अगर ये सेंटेंस है। अब ये इन्होंने तो ऐसे सोच रखा है ये ऑब्जेक्ट है, अब सपोज इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, एलिफेंट किल्स, तो ये घोटाला हो जाता है इंग्लिश में, मतलब रावण किल्स एलिफेंट सेंटेंस में ये बनाया था, अब द मान लो इधर लिख दिया तो ये तो घपला हो जाता है कि एलिफेंट किल्स रावण, उल्टा हो गया ना। बट ये हिंदी में और जर्मन में नहीं होता इसके कमाल से, क्योंकि जब आप देयर लिखते हो इसी सेंटेंस को, मान लो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यस सर, अगर मान लो यहां पे आर्टिकल होता, सपोज आर्टिकल होता, तो यहां पे हम लोग देयर, सपोज मैस्कुलिन था देयर, तो देयर मैस्कुलिन था तो हमको पहले ही पता रहता कि ये वर्ब अकुजेटिव है, ये वर्ब हम लोग अकुजेटिव मानते हैं इसको, और ये द हम लोग सीधा द लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखते हैं, देन, देन लिखते ना अपन, हाँ, देन लिखते अपन, मान लो एलिफेंट जो भी है चीज, देन के बजाय हम लोग देन लिखते, फिर अगर ये देन इधर भी कर देते आप तो पता रहता कि अकुजेटिव है, मतलब ये मार नहीं रहा, ये तो मर रहा है, ये वैसे ही है जैसे कोई बोले बच्चे को कुत्ते ने काटा, सपोज फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कुत्ते को काटा, जैसे हम लोग कुत्ते को बच्चे ने काटा, कुत्ते को बच्चे ने नहीं काटा, बच्चे ने कुत्ते को काटा, हाँ? आप ही तो बोल रहे सर, क्या बोल रहे हैं, बच्चे ने कुत्ते को काटा, बच्चा कुत्ते को कैसे काटेगा, कुत्ता बच्चे को काटा, आप ही बोल रहे हैं सर, आपने लिख दिया, आगे से अभी बोल रहे हैं तो बच्चे, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि घोटाला हो रहा है, हाँ, कि मैं जो बोल रहा हूँ गड़बड़ हो रहा है ना, यही फील कर रहा है आपको कि यार बच्चा कुत्ते को कैसे काट रहा है, गड़बड़ हो जाता है ना, अगर मान लो कुत्ते ने बोल दूं मैं
कुत्ते ने बच्चे को काटा, कुत्ते ने बच्चे को काटा, बच्चे को काटा और कुत्ते ने बच्चे को गड़बड़ हो जाता है ना, घोटाला हो जाता है। ये घोटाला इसके कारण नहीं होता, ये ब्लंडर जो है ना इसके कारण नहीं होता, क्योंकि इस टेबल में आपको पता रहता है कि सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है, उधर लिख दिया तो भी। अब मान लो मैं कुत्ते को बच्चे में लिखता हूं तो भी पता है कि बच्चा काट रहा है भाई, और अगर कुत्ते ने बच्चे को तो इधर कुत्ते ने से ये पता चल रहा है कि काटने वाला कुत्ता है, कुत्ते ने एक साथ आपने लिखा तो इससे पता चल रहा है कि काटने वाला कुत्ता है। अब इस सेंटेंस को मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, या तो कुत्ते ने बच्चे को काटा या काटता है जो भी है। अब इस सेंटेंस को मान लो मैं इधर लिखता हूं, बच्चे को कुत्ते ने काटा, बच्चे को कुत्ते ने काटा, तो भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदल रहा ना। ये मीनिंग इसलिए नहीं बदलता क्योंकि यहां पे ये स्ट्रक्चर इस टाइप का है। ये संस्कृत को इसीलिए कमाल की लैंग्वेज बोलते हैं कि उसको उल्टी सीधी हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होता आदमी, उसको पता ही है। मैं तुमको पढ़ाता हूं, मैं तुमको या तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं मैं, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये आपको ये टेबल शुरू शुरू में आपको लगेगा कि यार ये तो बर्डन है, इसको इसको फील करोगे तो आपको लगेगा ये तो खजाना है, ये तो बहुत हेल्प करने वाला है अपनी। तो इसलिए ये टेबल लर्न करनी जरूरी है, ये इंग्लिश में चक्कर पड़ जाता है इसलिए हम लोग इंग्लिश में दुख ज्यादा पाते हैं, क्योंकि वहां पे उनके साथ ये कुछ गड़बड़िया है, क्योंकि जेंडर का नहीं पता चलता। अब जेंडर का पता चलता है तो ये भी तो पता चलता है कि आपको पहली बात तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है इस टेबल से कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या प्लूरल है। प्लूरल है इसका मतलब है ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसका जेंडर क्या है, और ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है इसे, और उसको आप आगे पीछे भी कर दोगे तो आपको पता रहेगा कि डूअर कौन है। इसलिए हमको ये वर्क ये टेबल लर्न करनी जरूरी है। ऐसे ही इसका कमाल है सेम टेबल, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन के लिए है, ये आर्टिकल्स के लिए है, लेकिन इस टेबल में भी यही है चक्कर। जैसे मान लो वही सेंटेंस का एग्जांपल मैं आपको दूं कि आई विजिट यू, इंग्लिश में तो पता ही नहीं चलता कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, केवल वर्ड को देख के थोड़ी पता चलता है। आई विजिट यू तो यू तो सब्जेक्ट में तो हो सकता है, यू विजिट मी, आप बताओ कि मीनिंग दोनों का एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है ना मीनिंग, मतलब इधर का उधर रखते ही उल्टा हो जाता है मीनिंग। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम लोग इस टेबल से बनाते हैं, सपोज आई विजिट यू, तो हमको पता ही है बेजुखन कौन सी वर्ब है, कौन सी कैटेगरी की वर्ब है बेजुखन, बताओ? एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव है, आपको पता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इस ब्राउके, इस ब्राउके डिश, इस बेजुख है डिश, बेजुख बेजुखन का मतलब है टू विजिट, टू विजिट, इस बेजुख है डिश। अब आप तो ये बताओ कि आपने ये टेबल सीखी तभी तो आपको पता है डिश आएगा, ये टेबल नहीं सीखा तो थोड़ी पता है। केवल यही लाइन सीखो आप तो डिश कहां से आएगा? तो इस बिजुक है डिश। अब आप ये सोचो, इसको इधर ले आऊं मैं और इसको इधर ले आऊं तो क्या होगा? बिजुक है इश, ये ब्लंडर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, नहीं हुआ सकते मतलब आई विजिट यू और यू इसकी जगह नहीं, इसकी जगह एक्चुअली ये वाला सेंटेंस हुआ ही नहीं, ये वाला नहीं। आप सोच रहे हो ये वाला हो गया हो कहीं, ये वही सेंटेंस है, वही है यू विजिट, ये वही सेंटेंस है। यस सर, यहाँ अगर मिस करेंगे तो होगा फिर चेंज, करेक्ट।
मतलब आई विजिट यू, इसमें मैं विजिट करता हूं तुमको या तुम्हें, यही तो है मतलब इसका। और यहां पे हमने लिख दिया तुम्हें, तुम्हें विजिट करता हूं मैं, तुम्हें विजिट करता हूं मैं। तो डिश देखते ही हमको पता रहता है ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब ये डूअर नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये टेक्निक लर्न करने से हमको पता रहेगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये अकुजेटिव है या डेटिव है। अब मुझे ये भी पता है कि आप लोगों की पूछ पूरी अंदर नहीं जा रही मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो जाएगी आज नहीं तो कल, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में, क्योंकि अभी दूसरी तीसरी क्लास में हम ये बात कर रहे हैं, इससे पहले तो बात ही नहीं करी कभी। ऐसे तो याद होगी लेकिन जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो एकदम से दिमाग के अंदर। आपके तीन दिन में ये याद होगी, ये कम बात है क्या? ये कम बात नहीं है, तीन दिन क्या, दो ही दिन में, दो ही दिन में ये टेबल आपको लर्न होगी, ये भी कमाल की बात है। ये इतनी कमाल की बात है जितनी ये टेबल कमाल की है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको हो नहीं सकती, राइट। सो ये चीज सेंटेंस और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो कमाल है, अगर कोई बोले इश नेहा तुम बताना इश हेल्प है डियर, क्या मीनिंग है इसका? हेल्प मतलब हेल्प, यस हेल्प मतलब हेल्प, बिल्कुल सही बोला, मतलब मदद करना, यस इश हेल्प है डियर, हेल्प मतलब हेल्प। तो क्या मतलब हुआ इसका? इस तो हमने कहां से लिया है? यहां से लिया है, यहां से लेने का मतलब ये है करने वाला, सब्जेक्ट है वो डूअर होता है ना, डूअर करता, करता ये काम करने वाला है, और हेल्प डेटिव ये हेल्प डेटिव है। तो इसलिए डू की जगह डिश नहीं लिया, क्योंकि डिश तो आपको जाटी है, हमको तो चाहिए डाटी, डाटी चाहिए तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है, तो लेकिन हमको डाटी वाला चाहिए, वन डाटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई हेल्प यू, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब क्या मतलब हो गया इसका? आई हेल्प यू, अभी भी कोई मतलब है आई हेल्प यू सर? कैसे सर, ये समझ नहीं आ रहा, यही नहीं आ रहा ना समझ में, आ गए। आप ये बताओ ये सब्जेक्ट है क्या? नो सर, नहीं सर। कैसे पता तुमको नहीं है? नहीं है, ये बात सही है, लेकिन तुमको कैसे पता? ये डाटिव वर्ब आ रही ना, क्योंकि आप डाटिव और डाटिव सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये टेबल कह रही है ना, ये डाटिव वर्ब है। ये पूरे आग्रह के साथ, पूरे प्यार के साथ आपको ये टेबल कह रही है मैं आपको जाती हूँ, मैं आपको जाती हूँ, ये तो लिखा है यस यस आनंद बिल्कुल करेक्ट, सब्जेक्ट तो पहली लाइन है, इसमें डियर है क्या? नो सर। तो ये तो सब्जेक्ट है, इसमें डियर कैसे आ सकता है? डियर तो ऑब्जेक्ट में है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट काम थोड़ी करता है, काम तो सब्जेक्ट करता है। वो जर्मन की ये ब्यूटी है, संस्कृत की तरह ही जर्मन की ये ब्यूटी है कि इसमें ये आपको अपने आप पता लग जाता है कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये लर्न कर लोगे तो पता लग ही जाएगा, लगेगा कि नहीं जब आपको पता है। और दूसरी बात, वहां तक भी आप क्यों जाते हो? आप तो ये बताओ कि ये वर्ब का कॉन्जुगेशन किसका होता है? अभी ये तो इसका होता है, तो इससे ही पता लगेगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से होता है कभी भी वर्ब का कंजुगेशन। तो इसको करके देख लेते हैं दोबारा, भूल गए तो इश डू एयर एस जी वी आर वी आर वी आर ई आर ई आर जी 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 ये इसके साथ अगर किसी वर्ब का कंजुगेशन करते हैं तो जनरली क्या आता है? एसटी एसटी के साथ करते हैं तो एसटी टी 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 एन एन टी टी एन 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 एन
यही तो है ना फॉर्मूला अपना सर। अब आप ये बताओ कि जो भी सेंटेंस अपन ने लिखा है इसमें ये वर्ब का कंजुगेशन किसके हिसाब से हुआ है? इसके हिसाब से, राइट? आप इसके हिसाब से कह रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो इनडायरेक्टली सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके हिसाब से हुआ मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ है। ई, ये ई देख के आपको पता चल रहा है कि जरूर सब्जेक्ट होगा इश। अगर यहाँ पे डू होता तो शायद आप एस टी सोचते, यहाँ पे एन एस जी होता तो शायद आप टी सोचते, ऐसे ही तो सोचते, ऐसे ही सोचना है। तो इसके हिसाब से है तभी तो ई है। और वर्ब आती है हमेशा जर्मन लैंग्वेज में सेकंड पोजीशन पे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा तो ऑब्जेक्ट ही। वो मान लो जगह चेंज कर दी, आप थोड़ी देर के लिए दूसरी कुर्सी पर बैठ गए तो आपकी होगी क्या? वो आपकी आपकी रहेगी, वर्ब की तो वही रहेगी ना सर। हाँ, तो यहाँ पे ये डियर है, तो डियर देख के आपको पता चल जाना चाहिए सब्जेक्ट नहीं है। इससे नहीं पता चला तो इसको देख के पता लगना चाहिए कि भैया ये ई तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है और ये ई तो इसके हिसाब से होता है, तो सब्जेक्ट तो इस है, भले वो इधर बैठा है लेकिन सब्जेक्ट तो इसी है। इसको देख के, वर्ब के कंजुगेशन को देख के पता चल जाएगा। या तो आप यहां पकड़ लोगे, यहां नहीं पकड़ोगे तो ये देख के पता चलेगा, लेकिन चलेगा कब? जब ये वर्ब या ये टेबल याद होगी। तो ये टेबल आप आज कर लोगे तो आपको सेंटेंस आज बनने लग जाएंगे ना। मैं तो चिंता नहीं करता क्योंकि मेरा तो काम ये है, आपको कल भी यही पढ़ाऊंगा। और मान लो एक महीने तक आपने कहा कि हमारे टेबल याद नहीं हो रही है ना, कोई कहता था याद नहीं हो रही, तो मैं समझ जाता हूँ इसको टाइम नहीं मिल रहा। क्योंकि रोटी तो ये खाता है, रोटी तो ये खाता है, तो जो भी रोटी खाता है उसका ये चलता है। तो कोई मेरे को कहता ना मेरे को टेबल याद नहीं हो रही, तो मैं मुस्कुरा के समझ लेता हूँ इसको बेचारे को टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बिजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है भाई क्या आपका कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। सो इसलिए जब लेकिन आप याद कर लोगे, और इतने ये कोई 10 मिनट का 15 मिनट का खेल नहीं है, यस सर, मन से आप लिखोगे ना दो तीन बार तो आपको पता ही है इसमें शमीर होगा, सेम ही है वैसे तो सर, इसमें भी चार सेम दो तीन वर्ड। तो फिर ये दोनों सही है मतलब? कौन से? ये वाले, ये सेंटेंस तो दोनों सही है ही। हाँ, दोनों का मतलब भी एक ही है, सेंटेंस तो दोनों सही है ही, लेकिन दोनों का मतलब भी एक ही है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ये पता चलता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का कंजुगेशन होता है। तो सर ऐसे भी बोल सकते हैं? कैसे? डियर हेल्पिश, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी नए नए हैं तो हम लोग सीधे सीधे चले तो बेटर है, लेकिन आपको बताना जरूरी है ताकि आप फील करो कि ये जिंदा है, ये टेबल ये मरी हुई यूं नहीं है, ये इनका इनमें फीलिंग्स है, ये डिश बोलने से फर्क पड़ता है, ये आपको पता चलना चाहिए। भाषा जिंदा होती है ना, हमारी तरह भाषा बदलती रहती है, भाषा अपने शब्द दूसरी भाषाओं को भी दे देती है, तो ये भाषा को आपको फील करना पड़ेगा कि डेम से फर्क पड़ता है या डियर से फर्क पड़ता है। आप चलते हो, मान लो चलते चलते किसी को गाली निकाल के भी निकल जाते हो तो बंदा वैसे ही रहता है या पलट के मारता है? मारता है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये चीज आपको बेसिक्स लर्न करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है चलते फिरते आप कुछ भी बोलोगे, मैं खाती हूं तो एक दिन बोलोगे आदमी सोचेगा गलती से बोल दिया होगा, फिर दूसरी बार भी अगर मेल होके कहता है मैं खाती हूँ तो कहेगा भाई ठीक है मैं खाता हूँ बोला कर, क्योंकि वो उसका मीनिंग है भाई। अब इंटेंशनली अगर बोल रहे हो तो अलग बात है, किसी को चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जो भी आप बोल रहे हो उसका फर्क पड़ता है। हम लोग भाषा सीखते क्यों है? अल्टीमेटली हमारा पर्पज क्या रहता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं और अगले को समझाना चाहते हैं, और भाषा अच्छे से इसलिए सीखते हैं कि अगला वही समझे जो मैं कह रहा हूं। उल्टा सीधा समझ गया तो मतलब नहीं है ना उसका, और वही कब समझेगा? जब आप सही तरीके से कहोगे, और उसकी ये बेसिक रूल है हमको लर्न करने पड़ेंगे तभी अपने दाल मिलेगी, नहीं तो
गले की नहीं डालो, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया अभी? हां यस सर। ठीक है, तो ये टेबल जो है इश मिश मियर डू डिश डियर ए आर इन इन एस एस इन सी सी ईयर वियर उंस उंस ईयर ओइश ओइश जी जी इनन सी जी इनन यस। ये इश मिश मियर किया हमने, ये टेबल हमको जब चाहिए होती है जब पर्सनल प्रोनाउन ही हो, और ये डेयर दी दास दी वाली टेबल जब चाहिए है जब हम लोग कोई नाउन यूज करें, मतलब ये नाउन के लिए और ये प्रोनाउन के लिए, ये प्रोनाउन आते हैं नाउन की जगह। जैसे मान लो एक सेंटेंस बनाता हूं मैं जिसमें हम वर्ड लेते हैं डेयर मन और दी फ्राउ, फ्राउ डेयर मान मतलब मैन, दी फ्राउ मतलब वुमेन, वुमेन, वुमेन। ओके, अगर मैं ऐसे बोलूं आदमी अंडे बॉईल कर रहा है, ओके, अंडों को क्या बोलते हैं? दाई आई, आई आई प्लस आई मतलब अंडा, अंडा और दी आयर अंडे मतलब अंडे, और बॉईल करने के लिए वर्ब कोखन, कोखन। द मैन इज बॉइलिंग द एग्स, ये सेंटेंस है। द मैन कॉक्ड इज बॉइलिंग द एग्स, इस सेंटेंस को बनाओ। द मैन कॉक्ड द एयर, द एयर, द मैन कॉक्ड द एयर, the ayer, 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 e i i और फिर r, ayer, ayer, their mouth cocked the ayer, ayer, सही है नेहा, सेंटेंस सही है? यस सर, यस। ये the ayer ऐसा के ऐसा ही लिखा है, इसको अकुजाटिव बना के लिखा है, अकुजाटिव, अकुजाटिव बना के लिखा है ना? यस यस, क्योंकि the ये प्लूरल से है, प्लूरल का अकुजाटिव ये लिया है अपन ने, क्योंकि दी का अपोजिटिव दी होता है, yes, sir. तो हम लोग ये प्लूरल आयर एक्स से पता चलता है कि हम लोग बात ही प्लूरल की कर रहे हैं। yes, एक अंडा होता तो दस ही आता, दस। अगर मैं बोलूं आदमी अंडा उबाल रहा है, एक ही मतलब अंडा उबाल रहा है, द मैन इज बॉइलिंग द एग, तो क्या होता? देयर मैन कॉक्ड दस आई, दस आई यहां से आता फिर वो, yes, ठीक है, आपको जाते हुए देयर मन कॉक्ड दस आई, दस, ओके। अगर इसी सेंटेंस को सपोज ये जो अभी आपने बोला देयर मन कॉक्ड दस आई, देयर मन कॉक्ड दस आई, इसका मतलब है आदमी अंडों को, अंडों को नहीं अंडा, अंडे, एक अंडा आपकी बात, कोई एक पर्टिकुलर अंडे की बात कर रहे हैं। The man cooked दस आई, the man cooked egg, the man आदमी अंडों को उबालता है, आदमी अंडे, अंडे को, अंडे को उबालता है, boil egg, उस अंडे को उबाल रहा है, उस अंडे को, द पर्टिकुलर द के लिए तो आता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी कोई पर्टिकुलर अंडे की बात कर रहे हैं। द मैन इज, बुलाए थे ना कल हम लोग देसी मुर्गी वाला अंडा, अरे कहा है वो आदमी उबाल रहे उस अंडे को, तो कोई पर्टिकुलर अंडे की बात कर रहे हैं तभी तो द लगा रहे हैं, तो द की भी क्या जरूरत थी, आई बोल देते, लेकिन द लगाया हमने मतलब कोई खास पर्टिकुलर अंडे की बात कर रहे हैं अपन। अब अंडा भी सिमिलर है और आदमी भी सिंगुलर है, अब ये बताओ कि ये भी सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट होता तो भी तो टी लगता, समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, अगर
यहां तो फर्स्ट में प्रोनाउन था, फर्स्ट में प्रोनाउन में दिए तो दिखता ही अलग है, yes, sir. ठीक है, और इधर इश था और डियर था तो पता चल रहा था कि इसके कॉन्जुगेशन ई का होता ही आई के साथ है, yes, sir. लेकिन इधर तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है तो वर्ब का कॉन्जुगेशन तो वैसे ही होगा. अगर कोई बोले अंडा आदमी को उबाल रहा है सपोज फॉर एग्जांपल, तो भी वर्ब का कॉन्जुगेशन तो ठीक रहेगा ना सिंगुलर का. सर वो मैन, तो सर वहां अगर मैन ऑब्जेक्ट होता ना तो देन देम मैन हो जाता, देर का देन हो जाता. ये देखो जो है बात पकड़ ली इसने कि अगर ये देर मन है तो मतलब ये दास तो सब्जेक्ट में भी दास है और ऑब्जेक्ट में भी दास है, लेकिन ये आदमी अगर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होता तो हम देन करते. दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया. अगर फिर लोग मेरे बहुत बढ़िया, क्या ये अकेले ही समझा है, कोई नहीं, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं. सो आई एम विजिटिंग द लेडी, आई एम विजिटिंग द लेडी, क्या सेंटेंस बनेगा? इश बेजुके दी फ्राउ, दी फ्राउ. आई एम बेजुके विजिटिंग, बिल्कुल सही कि बिजुक है ना, आपने अकुजेटिव डैटिव नॉमिनेटिव क्या माना है, अकुजेटिव है, शाबाश. इस बिजुक है दी फ्राउ, तो इसको अकुजेटिव माना है और इसके हिसाब से ये किया है. ये वर्ब का कंजुगेशन सब्जेक्ट के हिसाब से किया, यस सर, और ऑब्जेक्ट को वर्ब के हिसाब से एडिट कर दिया. तो इस बिजुक है दी फ्राउ का मतलब हुआ मैं उस लेडी को विजिट करता हूं, मिलने जाता हूं. अगर मान लो ये सब्जेक्ट हो कि वो मुझसे मिलने आती है, सी विजिट्स मी, अगर ऐसे कर दूं द लेडी विजिट्स मी, ओके, यहां लिखता हूं द लेडी विजिट्स मी. अब मैंने उसको उल्टा कर दिया ना, यस सर. अब इसका मीनिंग ये थोड़ी है, नो सर, अलग हो. ऊपर वाले में तो मैं विजिट कर रहा था और मैं विजिट करता हूं, यहां पे वो विजिट करती है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? दी फ्राउ बेजुक मिश के बेजुक मिश, दी फ्राउ बेजुक बेजुक मिश. सब लोग सोचो ये मिश सही है क्या? यस सर. सेंटेंस तो सही है, आप लोग सोचो ये सही लग रहा है क्या? नहीं सर. बताओ कैसे? नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिमाग में आया तो कोई रीजन ही होगा. सर इधर समझे, हाँ बोलो आनंद. करेक्ट है, रीजन बताओ. बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप जस्टिफाई करो कि करेक्ट क्यों है. मतलब वो कह रहे कि ये सब्जेक्ट है, तो वो तो सब्जेक्ट तो पहले लिख ही दिया हमने, फिर ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से टी लग दिया, दी फ्राउ बेजुक्ट. अब मिश इसलिए लगा क्योंकि इस नहीं लिख सकता मैं, इस कैसे लिखूं, सब्जेक्ट थोड़ी है, इस तो सब्जेक्ट होता है, चाहिए तो ऑब्जेक्ट ना यहां पे. सी मतलब द लेडी इज विजिटिंग मी, तो मी लिखना है तो आई थोड़ी लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो अकुजेटिव हो सकता है या डाटिव हो सकता है, तो इसका अकुजेटिव आएगा क्योंकि वर्ब अकुजेटिव है, वो मुझे विजिट करती है. मी हम नहीं लिख सकता क्योंकि वर्ब डाटिव थोड़ी है, yes, sir.
तो इसलिए मिश आ गया ये। अगर फिर इसके ऊपर होता दी टाउ हेल्प्स नियर होता है, यस हेल्पफुल वर्ब आती तो नियर आता, वो लेडी मेरी हेल्प कर रही है तो नियर आता क्योंकि वर्ब डैटी वर्ब डैटी हो गई। यस नेहा ये सेंटेंस समझ आया? हाँ सर आ गया समझ। रकम आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ ही खेलेंगे बार बार, हम सैकड़ों सेंटेंस बनाएंगे ना तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, फिर आप नींदों में भी बोलोगे तो आपको तो पता ही है आपको जटिल है। आपको मान लो अभी दो तीन दिन में आपको ये तो ट्रेनिंग होगी ना कि वर्ब को कैसे पता लगाते हैं। यस सर। हाँ अरे हाँ मैं हाई तो नहीं मिला रहे हो, हुई है ना ट्रेनिंग? यस सर। मैं वर्ब लिखता हूँ यहाँ पे, बताना मेरे को ये नॉमिनेटिव है आपको जटिव है या डेटिव है, वर्ब देखते ही बता देना। कोखन आपको जटिल होगा जटिल दामकन डेटिव डेटिव हेल्फन डेटिव प्रोबियरन अपोजिटिव अपोजिटिव जिंगन अपोजिटिव अपोजिटिव जुखन अपोजिटिव अपोजिटिव हाइसन नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव जाइन नॉमिनेटिव अनवोल्टेम डेटिव डेटिव हॉफन अपोजिटिव अपोजिटिव ग्रैटुलियरन डेटिव डेटिव ये पालन गिहोरन डेटिव डेटिव ये पालन बे अनवोल्टेम अपोजिटिव अपोजिटिव डिंकन अपोजिटिव अपोजिटिव तो मैं तो यार बड़ी मुश्किल से हजारों वर्गों में से ढूंढ के ला रहा हूं और आपको तो दो सेकंड लगती है अपोजिटिव डेटिव नॉमिनेटिव। ये ट्रेनिंग आपकी दो दिन में तीन दिन में होना ही जोरदार बात है, आप लोगों का दिमाग बड़ा तगड़ा है कि दो दिन में तीन दिन में आपको ये कोई भी वर्ब कहीं से भी वर्ब ढूंढ ढांड के लाता हूं और आप कहते हो अपोजिटिव, आपको पूछने का फायदा ही नहीं है, सही भी कहते हो हर बार राइट। तो ये आपको वर्ब पता चल रही है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद में आप बावड़े तो होनी, सब लोग दही रोटी खाते हो ना? नहीं नहीं कुछ भी खाते हो मतलब रोटी खाते हो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये वर्ब पता चल गई आपको जाटिव है तो बावड़े थोड़ी हो कि इसके बाद में डाटिव कर दोगे, जब वर्ब आपको डाटिव है आपको पता चल गया कि आपको जाटिव वर्ब के बाद में तो आपको जाटिव भी आएगा, डाटिव वर्ब के बाद में डाटिव भी आएगा और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा, यही तो सेंटेंस बना रहे हम लोग। अब आप बावड़े तो नहीं नहीं हो लेकिन प्रैक्टिस तो मांगता है भाई। यस सर प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, तो बावड़े बनना भी नहीं है प्रैक्टिस करनी है इसकी, कि ये जब आपको देखते ही पता चल रहा है इससे ये पता चलता है आप तो देखते ही गोली मार देते हो, आपकी इतनी ट्रेनिंग होगी पहचान जाते हो कि ये कौन सी कैटेगरी की वर्ब है। तोता उड़ और मैं जब बोलता हूँ भैंस उड़ तो करते ही नहीं हो आप ऊपर हाथ, है ना, आपको तो ट्रेनिंग होगी। सो इसलिए आपको हर बार यहां पे सब्जेक्ट भी आ सकता है, सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट आ सकता है, जब मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट आ सकता है तो आप अपने आप ही समझ लिया करो मैं नॉमिनेटिव की बात कर रहा हूं, जब मैं नॉमिनेटिव बोल रहा हूं तो आप समझ जाया करो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भैया कौन सा यस वर्ब से पता लगेगा, लेकिन अगर कोई बोले ऑब्जेक्ट तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा वर्ब तो बताओ, ठीक है, और वर्ब पता चल जाए तो आप खुद ही बता दोगे कौन सा, ये ट्रेनिंग लेनी है अपन को। सर हो गई है, हो गई है ओके। अब हमारा दूसरा ट्रेनिंग का पार्ट बचता है आर्टिकल्स का पता करना, ठीक है। मैंने आपको 20-40 तो ऑलरेडी वर्ड बता दिए, जैसे दी ब्लू में अब जिस भी वर्ड के आगे दी लग गया ये फेमिनिन, ये फेमिनिन है, ये चीज आपको सीखनी है। दी ब्लू में जिस भी वर्ड के आगे डेयर लग गया वो मैस्कुलिन है, वो मैस्कुलिन है, जैसे डेयर फिश फिश डेयर फिश। जिस भी वर्ड के आगे दास लग गया न्यूट्रल न्यूट्रल वो न्यूट्रल है, जैसे दास बुक
ठीक है, दे आर दी दास। ये आपको पहली बात तो वर्ड ये दे आर दी दास ये आपको पता लगना चाहिए। कोई कहे कि मेरे को नहीं पता, मान लो मैंने तो नई नई लैंग्वेज शुरू करी है, नहीं पता, नहीं पता तो आपको ये तो पता है क्या डिक्ट डॉट सी सी कुछ होता है? यस सर पता है। क्या ये ऐप है? ऐप एंड डिक्शनरी ये है। तो नहीं पता तो उसमें देख लो, देख के तो सही कर ही लोगे। यस सर। मान लो शुरू में नहीं पता होता, पहले आपको ये नहीं पता था लोटा और लोटिया में क्या फर्क है, थोड़ा तो पता है ना। तो ऐसे ही वर्ड नया नया आता है तो पता चलता है अपन को, तो ये चीज होगी। अब द तो पता चल गया, इसके साथ हम लोग ये टेबल लर्न करते हैं डे और दी, दास 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 दी दी देन देन दी दास 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 दी देन 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 प्लस एन देन प्लस एन ये टेबल आपको आ गई। इसका मतलब है आप द बोलना सीख जाओगे। द जर्मन हो या कोई भी लैंग्वेज हो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब इन सब वर्ड्स का मतलब कुल मिला के द ही है सभी का। लेकिन ये वाला लिखूंगा तो आपको क्या समझना है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट और मैस्कुलिन। ये वाला लिखता हूं मैं तो सब्जेक्ट और फेमिनिन। अगर ये वाला लिखता हूं न्यूट्रल बट सब्जेक्ट राइट, न्यूट्रल तो है लेकिन सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि पहली लाइन आती सब्जेक्ट के लिए है, पहली लाइन आती सब्जेक्ट के लिए है, ये प्लूरल बट और सब्जेक्ट। अगर मैं ये लास्ट वाला यूज कर रहा हूं ये वाला, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि मैस्कुलिन बट लेकिन ऑब्जेक्ट दैट इज डाटिव, दैट इज क्योंकि ये लास्ट वाली लाइन आती ही डाटिव के लिए है। तो ये सब्जेक्ट के लिए आती है पहली लाइन, और ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए है, ये अकुजेटिव और डाटिव। वो पता कैसे चलेगा अकुजेटिव आएगा कि डाटिव? वर्ब से, वर्ब से पता चलेगा। यस, तो ऐसे ही जैसे ये वाली टेबल आपके ये आगे मान लो आपको टेबल, तो फिर मैं आप लोगों को एक टेबल और सिखाऊंगा, वो है द, ये द की होगी वो ए की होगी। द होता है जब कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, द चॉकलेट, द लेडी, द हाउस, मतलब ये पर्टिकुलर घर की बात कर रहा हूं, चॉकलेट की, उस लेडी की, उस पेन की बात कर रहा हूं, मैं ये पेन खरीद रहा हूं, तो ये तो कोई पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन कभी मैं कहता हूं यार एक पेन चाहिए, लिखना है, लेटर लिखना है, पेन चाहिए, तो मैं जब कोई पर्टिकुलर पेन थोड़ी कह रहा हूं, आप कहोगे ये ले लो पेन, तो मैं उसे लिख लिया। कोई एक, कोई कभी हम लोग किसी एक पेन की बात करते हैं, कभी कोई पर्टिकुलर, ये नहीं चाहिए मुझे लो मेरा ही चाहिए वो वाले दे, तो आप खास पेन की बात कर रहे हो। ठीक है, आपको यार शादी आ रही है भाई की, कपड़े खरीदने हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर कपड़े की थोड़ी बात कर रहे हो। नो सर। लेकिन फिर कहते हो यार उस दिन देखा था ना यार वो सूट बढ़िया था यार, पैसे नहीं लेकिन खरीदना तो वही है, अभी थोड़े दिन और रुक जाता हूँ, शादी के अभी भी 3 महीने पड़े हैं, खरीदूंगा वही सूट। तो आप कह रहे हो वो सूट, तो अब आपको एक पर्टिकुलर सूट का दिमाग में है, तो जब आप बोलते हो ना वही सूट खरीदूंगा, तो आप द की बात कर रहे हो, और जब आप कह रहे हो कि यार एक सूट खरीदना है, तो आप ये एक नई टेबल लिखवा रहा हूं उसकी बात कर रहे हो। ये टेबल आपको लर्न करनी है, जैसे द की टेबल लर्न करी है आपने, ऐसे ही अ की, आई एम आपको इस टेबल को भी ध्यान से देखने आप देखने से यह पता चलेगा कि इसमें ई एन आ रहा है बीच में, इसमें भी ई एन आ रहा है, क्योंकि आइन आइन तो सेम ही है। मान लो यहां आइन करूं, यहां भी आइन करूं, यहां भी आइन करूं, तो पता कैसे चलेगा भाई कौन सा क्या? अगर मान लो आइन 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 ही कर दूं, तो पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सी की बात कर रहा हूं? गड़बड़ हो जाएगा ना, सेम ही लिख दूंगा तो। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ई एन लिख रहा हूं,
क्योंकि यहां पे en, ये er था, er को हमने en किया तो पता चल गया इसकी accusative form है, ठीक है? तो ऐसे ही ये आई नहीं पड़ा रहेगा यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा yes. तो आई के आगे ई एम लगा दिया सर बीएम ही है क्या ये लास्ट में ये ई एम है और ये ई एन है आपने लिखा दोबारा लिखता हूँ ये वाला है ई एन और ये है एम मोतीराम वाला एम ठीक है आइन आइनन आइनम और ये हुआ मैस्कुलिन की सीध में तो ये टेबल यहां तक हो गया कोई फिर फेमिनिन के हिसाब से आइने अंडर अंडर आइने आइने आइनर आइने ये देखो ई था ये दोनों सेम थे तो ये दोनों सेम हो गए और इसमें ई आर था तो इसमें भी ई आर आ गया मतलब इसी टेबल से ये भी लर्न हो जाएगी आपको फिर यहाँ पे ये लिखते हैं आइन आइन ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम और यहाँ ई एम लिख रखा है तो यहाँ आइनम लगा दे आइनम तो आप ये समझो ये टेबल एक तरह से सर इसके अंदर भी आपको सर्टिफिकेट ब्रांड इसमें भी आपको सर्टिफिकेट ब्रांड हुई थी आपने तो और इसके बाद में ये तो प्लूरल के लिए आ रहा है तो प्लूरल के लिए आ रहा है तो इस टेबल में इसका काम ही नहीं है क्योंकि ये तो बात ही एक की करने वाला है ये तो द था ये तो ए है इंग्लिश के प्रेस में ए एन तो होता नहीं केवल एक चीज की बात करते हैं इसलिए केवल दिस इज ए पेन तो वही यहां पे नॉमिनेटिव फैमिली आपको समझ में आना चाहिए मुझे आपको जल्दी सिखाने की जरूरी नहीं है ना आपको आराम से समझ में आना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि एक बार आप चीजों को पकड़ गए तो आप खुद ही भागोगे कौन अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है चीज समझ में आती है तो आप खुद दौड़ोगे साथ में तो बेसिक बहुत अच्छे से सीखना है ताकि सेंटेंस बनाओ तो फिर एक टाइम के बाद में एफर्टलेस आराम से वो निकले सही निकले तो ये वाली टेबल आपको लर्न करनी है और ये जब लर्न करोगे तो ही सेंटेंस बनेंगे ऐसे नहीं हो सकता कि आप लर्न करोगी और मैं सिखा दू ऐसे नहीं हो सकता ऐसे हो ही नहीं पाएगा आप चाहोगे तो ही आपको जरूर ना पाएगी मेरी चांदी से नहीं होगा लेकिन आप सब चाह रहे हो इसलिए आ जाओ सुबह सो रहे होते सो वो ऊपर वाली टेबल है द और ये टेबल है अब सेंटेंस बनाते हैं इनको यूज करके ये मैंने यहां पे लिखा दी ब्लू मैप इसका मतलब है फ्लावर फूल टिश इसका मतलब है टेबल जब भी आपको कहीं पे कोई वर्ड मिलता है मान लो दी ब्लू मैन तो ऐसे वर्ड पढ़ा है कहीं पे या आइन टिश और टेबल आइनर ब्लू मैन जब कहीं भी जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में नहीं होता और ऐसे ही पढ़ा है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव मानना उसको क्यों मैं आप ये बात इसलिए कह रहा हूं जब ये दी ब्लू मैन है केवल ये सेंटेंस में थोड़ी है ना सर ये जब सेंटेंस में नहीं है तो फेमिनिन है ये तो पता है आपको दी लगने से तो कोई बोले ये वाला है या ये वाला है तो भैया ये वाला ही है सब्जेक्ट ही है ये वाला क्यों नहीं है ये वाला तो तब होना जब कोई वर्ब ऑब्जेक्टिव हो इसका तो पता ही नहीं वर्ब को क्या होगी वर्ब पता ही नहीं ना तो नॉमिनेटिव माना जाता है जब मान लो कोई बोले कुत्ता और बस इतना ही तो इसका मतलब नॉमिनेटिव कोई बोले पेन साड़ी घर तो मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको जाती हो और डाटी हो
तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, और वो तो वर्ब से पता चलता है, तो इसमें कौन सी वर्ब हमको क्या, कौन सी वर्ब लगाओगे आप, तो ये सब्जेक्ट की बात है। अब अगर मान लो मैं ये बोलूं आई, अब मान लो कोई वर्ब बताऊं आपको, आई 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 एम कमिंग, आई एम परचेजिंग, आई एम गोइंग, तो उसके बाद में क्या आएगा उसमें डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं आई एम परचेजिंग अ फ्लावर, इस कॉफे, अब देखो इस कॉफे आई ने फ्लावर, आई एम परचेजिंग। अब परचेजिंग में आपको पहले ही पता है काउफन वर्ब है, और आपको ये भी पता है कि ये नोमिनेटिव अकोजेटिव डेटिव क्या है, ये काउफन वर्ब अकोजेटिव अकोजेटिव है। आपका कॉन्फिडेंस देख के मजा आ गया, यस अकोजेटिव है, बिल्कुल सही अकोजेटिव है ये। आई एम परचेजिंग अ फ्लावर, आपको ये पता है कि फ्लावर होता फेमिनिन है, अ फ्लावर बोल दिया और उसका आर्टिकल ओरिजिनली द होता है तो ये फेमिनिन है। अब इस तो पूरे टेबल का मतलब ही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम लोग किसकी कौन सी टेबल की बात करेंगे, ए वाली की, आई वाली, आई मतलब ये आई तो पूरी नहीं है, ये भी आई नहीं, यहां भी आई नहीं, ये भी आई, लेकिन कौन सी की बात करेंगे, अकोजेटिव करेंगे, अकोजेटिव और फेमिनिन, यस अकोजेटिव और फेमिनिन की बात करेंगे हम लोग, तो यस सर, तो इसलिए इसका एड्रेस पता होना चाहिए कि ये कौन सा आया है, तो क्या सेंटेंस बनेगा इसका फिर, इस कॉफे आईने ब्लूमर, हां यस नेहा आप बताओ, आई इस कॉफे आईने ब्लूमर, इस कॉफे आईने ब्लूमर, ओके बिल्कुल सही बनाया सेंटेंस, बहुत बढ़िया, इश काउफ है आई ने ब्लूम है, इश काउफ है आई ने ब्लूम है, मैं एक फूल खरीद रहा हूं। फिर भैया आपको बहुत सारे फूल दिखाई गए तरह तरह के, अरे तो बढ़िया फूल बन रहे, ये भी एक फूल है, एक हो सकता है ये वाला भी फूल है, बढ़िया नहीं बन पा रहे भाई सॉरी, ठीक है लेकिन है वही अलग अलग तरह के प्रकृति में सब तरह के फूल है। इस कॉफ से आपको ये बोल रहा है मैं तो ये वाला फूल खरीद रहा हूँ, तो ये वाला इस कॉफ है दी ब्लूम है, इस कॉफ है दी ब्लूम है, दी ब्लूम है। अभी हमारे पास द के लिए टेबल है और ए के लिए टेबल है, हमने तो तीन टेबल सीखी है ना, तीसरी इश्मिश्मियर, दो वो और एक ये, तीन टेबल सीखी हमने, इश्मिश्मियर पर्सनल प्रोनाउन और नाउन की टेबल, नाउन में भी द के लिए और अ के लिए। तो जब मैंने बोला कोई पर्टिकुलर पेन की बात है, फूल की बात करी, आई एम परचेसिंग द फ्लावर, यहाँ पे था अ फ्लावर और यहाँ पे है द फ्लावर, तो द बोल दिया मैंने सर, तो प्लूरल का भी तो ये दी है, अगर फ्लावर्स बोलना होता तो वो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी दी है, लेकिन फिर वो तो फ्लावर्स के लिए होता ना, दिखता सेम है, फिर प्लूरल सिखाऊंगा मैं आपको, अभी सिखाया नहीं है ना, इजी है प्लूरल भी करना, बहुत इजी है, ओके सो आपको ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं, इस काउफ है दी ब्लूम है, आई एम परचेजिंग द द फ्लावर, अ फ्लावर, दोनों सेंटेंस अलग अलग समझ में आ गए, यस सर, ओके द चिल्ड्रन आर, अब की बार मैं जिससे पूछूं वो ही बताएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इतना ही सेंटेंस बनाना है, और प्लेइंग क्या होता है, स्पीलन, मैं जिससे पूछूं सेंटेंस आप बना लो, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा, बना लो आराम से, चिल्ड्रन चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, दी किंडर, दी किंडर,
दी किंडर, आराम से बना लो, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। प्लेइंग का क्या होता है? स्पीलन, स्पीलन इज टू प्ले। The children are playing. Okay. One second, hold it up. The children are playing. एक चाइल्ड होता तो हम लोग लिखते दस किंड, दस किंड। एक चाइल्ड होता तो लिखते दस किंड, नहीं मतलब द चाइल्ड होता तो द चाइल्ड द का है नहीं तो यस सर। और एक चाइल्ड होता एक किंड आइन किंड कर देते हम लोग आइन किंड। हर बार हम लोग ऐसे ही इन्हीं टेक्नो में घूमेंगे, द अ या फिर पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लेंगे, या तो द लग जाएगा या अ लग जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा या पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा। इसके अलावा कोई चीज आई नहीं सकती, ये बताओ आपको। इसके अलावा आई नहीं सकती, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, नाउन प्रोनाउन वर्ब और क्या आएगा? नाउन प्रोनाउन ही तो होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। नाउन में किसी का नाम आ सकता है या फिर आर्टिकल के साथ उस चीज को हम लोग कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन जो भी है, या फिर प्रोनाउन यूज कर लेंगे। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ ये तीन टेक ही लेना, यही खजाना है, बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी। अभी बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए यही राज है। सो प्लूरल है किंडर, ये प्लूरल है, हाँ प्लूरल है, यस। तो बनाया सेंटेंस आपने? यस सर। बनाओ मनीष, क्या सेंटेंस बनाया? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन गौतम, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दस किंडर स्पिल, सुना दस किंडर बोला है इसने, जबकि मैंने दी किंडर लिखा था। द चिल्ड्रन दी किंडर आएगा तो सर चिल्ड्रन तो एक ही ना, चिल्ड्रन स्टोरी है तो। नहीं चाइल्ड होता है और प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो दी किंडर स्पिल, हाँ दी किंडर स्पिल, स्पिल स्पिलन, दी किंडर स्पिलन, स्पिलन आएगा कि टी आएगा भाई? क्या स्पिलन है? हाँ स्पिलन, स्पीलन आनंद, स्पीलन ही आएगा ना? यस सर, प्लूरल, यस, क्योंकि प्लूरल है। देखो प्लूरल आते ही है ना, आप वो टेबल मत भूल जाना ये। और इसके अलावा वर्ब का कंजुगेशन इश डू एयर एस जी वी आर ही हियर जी जी। आपने जब ये आपने कौन सा वाला चूज किया? लास्ट वाला, लास्ट वाला ना, यस। जब भी कोई प्लूरल की बात आ जाए तो आप तो इसके हिसाब से कर देना, प्लूरल की बात आते ही ये सही आएगा ईएन। ये वर्ड का कंजुगेशन था, तो जो स्पीलन वर्ड थी ईएन, स्पील तो फिक्स है, ये ईएन बदलता जाएगा, तो द किंडर स्पीलन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द किंडर स्पीलन, स्पीलन। और सेंटेंस बना दिया, तो सेंटेंस जब बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर को, सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल। तो द किंडर स्पीलन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आर तो नहीं इसमें है क्या? नो सर। लिख रहा है क्या? नो, लिखना भी नहीं है, नहीं। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस एक ही होता है जर्मन में, अलग से आर की जरूरत ही नहीं है, प्लेइंग के अंदर ही घुसा हुआ है इस जारे भी। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्पीलन, नहीं समझ में आया तो फिर बता दूंगा, चिंता मत करना। स्पीलन समझ में आया क्या? आ गया ना, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के आगे तो ईएन लगता है, ओरिजिनल वर्ब जो भी हो वैसी वैसी आ जाती है वो। अगर आपकी बार मैं ये बोलूं, अभी तो मैंने आर्टिकल यूज कर लिया, ये तो नाउन यूज कर लिया ना, नाउन यूज कर लिया, नाउन का जो भी आर्टिकल था वो यूज कर लिया, yes, तो
तो इसमें तो मैं बोल रहा हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मतलब प्लूरल है बच्चे। अब मैं मान लो बच्चे खेल रहे हैं है ना, और मेरे पापा आए और वो बोले बच्चे कहाँ हैं, दिखे नहीं बच्चे। मैं बोलूँ दे आर प्लेइंग, ऐसे भी बोल सकता हूँ ना दे आर प्लेइंग। जब मैं बोलता हूँ दे आर प्लेइंग तो मैं नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करता हूँ, दे भी तो बच्चों के लिए यूज किया। अब अगर मान लो आपको ये लिखना हो सेंटेंस, दे आर प्लेइंग जी स्पीलिंग हो जाएगा, वेरी गुड, हो गया काम। यहां से जी लिया हमने और स्पीलिंग सीधा का सीधा, बहुत बढ़िया, दे आर प्लेइंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई वर्ब यूज करते हैं हम लोग टिश तो हो गया टेबल, और बुक आई एम रीडिंग द बुक, रीड वर्ब यूज कर सकता हूं मैं। कोखन तो कोक, तो लेजेंड सपोज कोई वर्ब है, लेसन लेजेंड कोई वर्ब है, लेजेंड का मतलब है टू रीड, रीड। अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है आई एम, आप लोग लिख लो भाई, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक, बोलना नहीं केवल लिखना है, मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। आई एम रीडिंग द बुक, द बुक का द का क्या आर्टिकल है, दी दे आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक, दास बुक है ना, यस सर, ठीक है, ये दास लिखा हुआ भी है यहाँ, यस आई एम रीडिंग द बुक। इस सेंटेंस को बना लो, आई एम रीडिंग द बुक, जैसे ही आप रीडिंग देखते हो वर्ब तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा, आपको जाते हैं मम्मी डांटी हो आपको डांटी हो डांटी हो आता होगा ना, ये आना चाहिए क्योंकि उसी से तो आगे का डिसाइड होगा। आई एम रीडिंग द बुक, ओके मनीष बोलो, फिश लिसन द बुक, ईश आई एम रीडिंग द बुक, क्या किया ईश, कोई भी बता सकता आप, ईश लेज दास बुक, दास बुक ईश लेज है दास बुक, दास बुक इसके साथ ई लगेगा ना, यस सर, हां सर, ईश लेज है दास दास बुक, और दास बुक ये दास में लिखा है वो यहां से लिया है कि यहां से लिया है, आपको दास सर आपको जाते हो आपको जाते हो लिया है, यस तो यहां से ही आएगा, बिल्कुल सही ले रहे हो आप, बट ये लेजर आ जाएगा इसके हिसाब से, इस लेजर दस बुक, आई एम रीडिंग द बुक। अगर मैं द नहीं बोलूं, कोई मेरे को फोन करके पूछे कि भाई और अभी क्या कर रहे हो, मैं बोलूं मैं तो एक किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, अब ये बनाओ इस लेजर आई एम बुक, 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 आई एम बुक आएगा आपकी बार, यस सर, शाबाश, आपकी बार केबिल नीचे वाली ही है ना, यस सर, ऊपर वाली तो नहीं है, नो सर, ऊपर वाली तो आई नहीं थी, देव भाई मेरे को इसमें से लिया है, ठीक है, तो इसमें से लिया है तो आपको जाके भी लिया है, तो आपने आपकी बार यहां से लिया है, यस सर, सो आपको जाके वही न्यूट्रल का, इस लीज है आई बुक, बधाई हो, चॉकलेट खरीद के खाना आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है।